असम को वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सफर आसान होगा, स्टेशन को फूलों से सजाया गया। हफ्ते में छह दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 410 किलोमीटर की दूरी छह घंटे में पूरी होगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच होंगे पांच स्टेशन। गुवाहाटी स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट की सुविधा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। कार्ट में हुए सवार ली चाय की चुस्की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देशभर में आज बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान, लखनऊ में योगी हरदीप पुरी समेत बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंतरिक्ष में भारत एक और लंबी छलांग लगा रहा है, इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट नाविक NVS-1 का लॉन्च किया। नेक्स्ट जनरेशन की नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-1, बेहतर होगी लोकेशन सर्विसेज। GSLV-F-12 रॉकेट से ली गई लॉन्चिंग, इस रॉकेट की ये 9वीं उड़ान है। सैटेलाइट सशस्त्र बलों को करेगा मजबूत, नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। नाविक अमेरिकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का माकूल जवाब, स्थलीय हवाई और समुद्री परिवहन लोकेशन आधारित सेवाओं में इसका इस्तेमाल होगा। दिल्ली में जंतर मंतर पे पहलवानों का धरना, पुलिस ने कराया खत्म, 36 दिनों से चल रहा था ये धरना। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे धारा 144 लागू करवाया, धरना स्थल पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। धरना आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे थे पहलवान, ब्रजभूषण सिंह पे लगाए गए हैं कई गंभीर आरोप। भारतीय किसान यूनियन भी पहलवानों की मांग का कर रही है समर्थन, विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को कई लोगों को लिया गया था हिरासत में। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप में भारत मध्य एशियाई चैंपियन बना, फाइनल में कजाकिस्तान को दी मात। काठमांडू में त्रिपुरेश्वर में कवर हॉल में हुआ वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला, प्रतियोगिता में कजाकिस्तान उपविजेता और नेपाल तीसरे स्थान पर रहे। मैच में भारतीय टीम की कप्तान निर्मल तंवर और प्रेरणा सूर्या और KS जिनी ने भी शानदार प्रदर्शन किया, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टीम को बधाई दी। टूर्नामेंट में कुल 8 देशों ने हिस्सा लिया, नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से शानदार पहल, बच्चों के लिए खोली लाइब्रेरी। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन तक खुशगवार बना रहेगा दिल्ली का मौसम, लोगों को मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। दिल्ली में 4 दिन तक हल्की बारिश की संभावना, 40 डिग्री से कम रहेगा तापमान। पाली में बारिश के चलते दोपहर में दिखा रात का नजारा, जलानी पड़ी कारों की लाइट। पाली में बरसात और तेज हवा से चलने से आम जीवन प्रभावित, कई इलाकों में गिरे पेड़। गुजरात में मौसम विभाग ने चेतावनी दी, तेज हवा के साथ अगले 2 दिन तक मध्य और उत्तर गुजरात में हो सकती है बारिश। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते गुजरात में बन रही है बारिश की संभावना, शाम के वक्त बारिश होने से प्रभावित हो सकता है IPL का फाइनल भी। जोधपुर में बारिश से हुआ आम जनजीवन प्रभावित, भीतरी शहर में पानी ही पानी। जोधपुर में कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर पानी भरा, कई इलाकों में पेड़ भी गिरे। जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अलर्ट जारी, बारिश के साथ तेज आंधी से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। जैसलमेर में उठा रेतीला तूफान, कई इलाकों में गिरे ओले। बाड़मेर में भी उठा तूफान, दर्जनों गांवों में गुल हुई बिजली। श्रीगंगानगर में भी भारी बारिश और तूफान का असर, कई जगह नहरें टूटी। हिंगोली में तूफानी बारिश, गाड़ियों पर गिरे पेड़।
उज्जैन में भी तूफान, कुछ समय के लिए बंद किया गया महाकाल लोक। फतेहपुर शेखावटी में चार दिनों की लगातार बारिश से किसानों के चेहरे खिले, खेतों की जुताई हुई शुरू। फतेहपुर शेखावटी में 106 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, खेतों में पर्याप्त नमी हुई। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पे नेशनल वॉर मेमोरियल पे पुष्पांजलि अर्पित की, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज, लखनऊ में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के फतेहपुर में अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन, वक्ताओं ने सत्ता में भागीदारी को बताया समाज सुधार का रास्ता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए चलाया जा रहा था सर्च अभियान। पूरे इलाके को खंगालने में जुटे कमांडोज, घेराबंदी, पूछताछ जारी है। करूर में डीएम के कार्यकर्ताओं पर आयकर विभाग के अधिकारियों गिरफ्तार। दक्षिण विधायक पे साधा निशाना लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, जांच करना बिजली कर्मियों को महंगा, बिजली कर्मियों को घर की महिलाओं ने पीटा। अहमदाबाद में बागेश्वर बाबा के चलते आयोजकों ने फैसला लिया, दो दिन तक चलना था बाबा बागेश्वर का दरबार, दिव्य दरबार की जगह पर भरा पानी। बाबा बागेश्वर ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए, चढ़ाया 2000 रुपए का नोट। अयोध्या में अवैध पटाखा बनाने वालों पर कार्रवाई, दुकान से माल जब्त किया गया। गुजरात के खेड़ा गोबलेज के पास प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, 5 किलोमीटर दूर तक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने संगरूर के बिजली विभाग के दफ्तरों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा बिहार में सुशासन का नहीं अपराधियों का राज। तमिलनाडु के थेनी में पेड़ों के बीच फंस गया हाथी, पुलिस और फॉरेस्ट की टीमें रेस्क्यू में जुटी। नलगोंडा में जेट प्लेन की शक्ल वाला ड्रोन दिखने से हड़कंप, ड्रोन में लगी थी चिप, पुलिस जांच में जुटी। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए आज मतदान, विधानसभा के तिलक हॉल में होगा ये मतदान। माउंट एवरेस्ट फतेह कर घर लौटी झज्जर की बहू अस्मिता, परिजनों और शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। बिना ऑक्सीजन के माउंट मानासलू तक चढ़ने वाली दूसरी भारतीय अस्मिता हैं। नेपाल में अस्मिता का जन्म हुआ था, पालन पोषण भारत में हुआ था। भिंड वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, तकनीकी खराबी से हो सकती है लैंडिंग की वजह। खेत में लैंडिंग के दौरान नहीं हुआ कोई भी हादसा, पायलट भी सुरक्षित है। अयोध्या में जुड़ा नया आकर्षण, बालूघाट पे शुरू हुई पैराग्लाइडिंग, सैलानी खुश हैं। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिखा अनोखा अंदाज, कचरा प्रोसेसिंग यूनिट कार्यक्रम में चलाई कचरा गाड़ी। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने से मुख्यमंत्री सुक्खू से खुश हुए सरकारी कर्मचारी, कांगड़ा में निकाली गई आभार रैली। सहरसा में 4 दिवसीय बैडमिंटन समारोह का समापन हुआ, विनर और रनर अप को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। दौसा में समाज सेवियों ने करवाई बिना मां बाप की लड़की की शादी, सोशल मीडिया से पता चला था लड़की की परेशानी का। बुलंदशहर में एनजीओ ने 20 अग्निवीरों को प्रशिक्षण दिया, परीक्षा में पास होने पर सभी को सम्मानित किया गया। गंगोत्री धाम में एक दिन में आने वाले भक्तों की संख्या पहुंची 12,000, गंगा मैया के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए की गई अच्छी व्यवस्था। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में शुरू हुआ समर फेस्टिवल, पर्यटकों की भीड़ लगी, नाव चलाने का आनंद उठाते नजर आए लोग।
अलीगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर अलीगढ़ प्रीमियर लीग का शुभारंभ क्रिकेटर रिंकू सिंह ने उद्घाटन किया। दिल्ली में इंटरनेशनल ओलंपियाड के कार्यक्रम में पहुंचे भारत के पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस रेखा पल्ली, विजेताओं का सम्मान किया गया। बहराइच में गांव में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने खेत से रेस्क्यू किया। तेंदुए की दहशत से गांव वालों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया पल्स पोलियो महाअभियान, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप्स। देवरिया में पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के बच्चों और ईंट भट्टों पर जाकर मजदूरों के बच्चों को पिलाई ड्रॉप्स। सूरत में अलबेले ढंग से नाश्ता बेचता है युवक, बाइक पे घूमकर युवक निकालता है मोर की आवाज और आवाज सुनते ही नाश्ते के लिए लग जाती है लोगों की लाइन। गोरखपुर में चल रही है रोइंग प्रतियोगिता और इसमें भाग लेने पहुंचे असम के दिव्यांग खिलाड़ी अन्यतम, दिव्यांग होते हुए भी 1 महीने में सीख ली थी तैराकी। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक संपन्न हुई, बैठक खत्म होने पर साध्वी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अमेरिका पर छाए कर संकट के बादल छटने की उम्मीद बढ़ी, डेट सीलिंग बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी ने सहमति दिखाई। जनवरी मार्च तिमाही में भारत की विकास दर अनुमान से ज्यादा रहने का भरोसा बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के ट्रेंड ने खपत में तेजी के संकेत दिए। भारतीय उद्योग जगत के मुनाफे में आईटी फर्म्स की हिस्सेदारी 5 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की, जनवरी मार्च तिमाही में 9.7% रही आईटी सेक्टर का कुल मुनाफे में योगदान। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए बने गुट को मिली बड़ी सफलता, अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों ने कच्चे माल की कमी जैसे हालातों से निपटने के लिए गुट बनाया। स्टार्टअप सेक्टर के संकट से वेंचर कैपिटल फंड्स की फंडिंग में भारी गिरावट आई है, 2023 में अभी तक वीसी फंड्स के निवेश में 72% की गिरावट दर्ज की गई। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की बिक्री में सुस्ती का असर जारी, 2021 में मध्य में स्मार्टफोन की बिक्री में छोटे शहरों की हिस्सेदारी 35% से 40% के बीच बरकरार। कॉरपोरेट संस्थाओं को एंजल टैक्स से छूट न मिलने के चलते भारत में विदेशी निवेश घटने का खतरा बढ़ा, 2022-23 में भी एफडीआई में 16% से ज्यादा गिरावट। कंटेनर की कीमतों में 40% की गिरावट आने से भारतीय कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत, कंटेनर की घटी हुई कीमतों से ट्रांसपोर्ट घटने का उद्योग जगत को फायदे का अनुमान। आईपीएल के दम पर डीटीएच प्लेटफॉर्म्स को फिर से सब्सक्राइबर्स जोड़ने का मौका मिला, आईपीएल में अप्रैल मई में लंबे समय के बाद इंडस्ट्री को नए सब्सक्राइबर्स जोड़ने का मौका हाथ लगा। फास्ट फूड चेन बर्गर किंग में एवरस्टोन कैपिटल की करीब 41% हिस्सेदारी खरीदने की रेस जारी, जनरल अटलांटिक और एडवेंट की बोली को मंजूरी मिलने का अनुमान। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने फिर जीता राष्ट्रपति चुनाव, हासिल किए 52% से ज्यादा वोट। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद कमाल किलिचदरोलू ने लगाए धांधली के आरोप, कहा राष्ट्रपति अर्दोगन ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। राष्ट्रपति अर्दोगन की जीत पर फिलिस्तीन में जश्न, हमास के लड़ाकों ने बांटी मिठाइयां। दुनिया भर के नेताओं ने राष्ट्रपति अर्दोगन को शानदार जीत पर बधाई दी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा साथ मिलकर काम करने को उत्सुक। ईरान और ओमान में आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर बनी सहमति, ओमान के सुल्तान के तेहरान दौरे पर कई और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।